हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेएनके के करंट अफेयर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से जो भी करंट अफेयर रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट वन है ओनली, इसके बाद भी पार्ट्स आएंगे जब तक आपका ये करंट अफेयर है ये कवर नहीं हो जाता है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, जो ये वीडियो रहने वाला है ये इस पैटर्न में भी रहेगा, जो ये क्वेश्चंस टाइप है और स्टेटमेंट वाला भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू होल्ड सस्टेन्ड डायलॉग ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो किसको अपॉइंट किया है भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर पे डायलॉग का रिप्रेजेंटेटिव? दिनेश्वर शर्मा, सैयद आसिफ इब्राहिम, राजीव जैन, के पॉल। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को रीड करके कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देना। पहले क्वेश्चन का आंसर है दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू होल्ड डायलॉग ऑन जम्मू एंड कश्मीर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ए। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, द लोसर फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी ये आर्टिकल 370 से, अभी ये यूटी बनने से पहले का है एक्चुअली। तो ये जो लोसर फेस्टिवल है ये जम्मू एंड कश्मीर का, अब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट अब ये नहीं है, इसका मतलब लद्दाख ही होगा ऑब्वियसली। लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया लोसर फेस्टिवल। सो इसका जो आंसर है वो है बी। ओके, आप मुझे बताइए कि राज्यसभा से कब ये जो बिल है यूटी बनाने का या 370 को एब्रोगेट करने का, ये पास हुआ था? देन लोकसभा से कब हुआ था? देन प्रेसिडेंट ने कब इसको अपनी असेंट दी थी? एंड लास्टली कब ये फाइनली दो यूटीज में डिवाइड हो गई थी हमारी ईस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा वाली जो डेट है ये जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एग्जाम में सवाल आया हुआ है, तो ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? बात करूं अगर मैं इंडिया की, तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा। और आप मुझे बताओ कि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? मैं इतना बता दूं कि ये चाइना की रिवर है, नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। गंगा बता दिया, गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। इट इज़ अ लार्जेस्ट डेल्टा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो JKS एग्जाम में आया था वो था कि गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो गाइज उसका नाम है सूसु, ठीक है, ये आपको पता लग गया। अभी ये जो गंगा है, साउथ की गंगा किसको कहते हैं? ठीक है, साउथ की गंगा कहते हैं कावेरी को। और दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को, ठीक है। गोदावरी साउथ में सबसे लंबी नदी है। अब हम आ जाते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर पर। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? इंडस रिवर, झीलम रिवर, चनाब रिवर, डोडा रिवर। इसका सही आंसर है चनाब रिवर। चनाब रिवर की जो लेंथ है वो है 960 किलोमीटर। चनाब का जो पुराना नाम था वो था अस्किनी, अस्किनी। रावी रिवर, अच्छा इसमें है नहीं, रावी की जो लेंथ है वो है 720। ब्यास रिवर की जो लेंथ है वो है 470। आपको मुझे बताना है इंडस की लेंथ क्या है। और चनाब की बात करें तो दो रिवर्स से मिलने से बनता है, एक है चंद्र और एक है बागा। और ये वाला सवाल भी सब ऑडिटर के एग्जाम में आया हुआ था रिसेंटली। ओके, और आप मुझे बताओ कि फादर ऑफ ऑल रिवर्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ ऑल रिवर्स ये कहते हैं सिंधु नदी को, यानी कि इंडस को। झेलम की बात करें तो व्यथ और वितास्ता भी इसका नाम है, व्यथ और वितास्ता, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि चनाब रिवर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली? जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली का क्या ड्यूरेशन है? देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है, इट इज़ अ ओनली असेंबली इन इंडिया टू हैव अ 6-year term। अर्लियर ये सिर्फ इंडिया की एक ऐसी इकलौती असेंबली थी जिसमें 6 साल का टर्म था, इन कंट्रास्ट टू द नॉर्मल 5-year term। ये पहले की बात हो रही है, लेकिन अभी
जेएनके भी बाकी इंडिया के स्टेट्स की तरह 5 ईयर्स तक ही चलेगी। जेएनके की असेंबली का भी टेन्यूर अभी जो है वो 5 ईयर्स का है, तो 6 ईयर्स आपको अब नहीं करना है, इट्स 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन से, घुसपैठ से डील करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जो जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, BSF के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। आपको ऐसे भी दे देंगे ऑपरेशन का नाम और कहेंगे कि इंडियन आर्मी ने चलाया है, CRPF ने चलाया है, BSF ने चलाया है, ITBP ने चलाया है। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने चलाया है, और इसका नाम क्या है, ऑपरेशन बॉर्डर, ऑपरेशन कंट्रोल, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन स्टार। इसका सही आंसर है ऑपरेशन अलर्ट, सी इज़ अ राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सी। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स लोकेटेड। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो इसका आंसर है गुलमर्ग। गुलमर्ग वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है एट एन एल्टीट्यूड। अब तो एल्टीट्यूड भी पूछ लिया जा सकता है डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए। इट इज़ 2650 मीटर्स यानी कि 8690 फीट। तो कहाँ पर है यह, है गुलमर्ग में, और गुलमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, बारामूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द उरी डैम, द उरी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार JKSS भी पूछ चुकी है, उरी डैम इनमें से कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, ब्यास, चनाब, रावी या झीलम। तो उरी डैम जो है ये झीलम रिवर पर स्थित है, झीलम रिवर पर लोकेटेड है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्लेस हैज़ सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड सेरीकल्चर बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम टेम्परेट सेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ SKUAST। इसका आंसर है गाइस करगिल। ठीक है, तो करगिल में ये जो सेरीकल्चर इंट्रोड्यूस किया है, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, किसकी स्टडी से रिलेटेड है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं भी देखूँ क्या आपको ये जो कल्चर है जितने भी, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, ओलैरी कल्चर हो गया, सैरी कल्चर हो गया, इन सब के बारे में नॉलेज है या नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, पामपोर अपलैंड्स लोकली जिनको वुदर कहते हैं इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनमें से किस की बिक्री से जो पामपोर है वो फेमस है, एप्पल, सैफरन, टूरिज्म या स्पोर्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैफरन। सैफरन टाउन ऑफ जेंट के इस पंपोर। और सोपोर किसके लिए है, सोपोर क्या एप्पल के लिए है ये, ठीक है, सोपोर एप्पल के लिए हो गया और पंपोर हो गया सैफरन के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। टेंथ क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ सीड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी सेट अप टू प्रोड्यूस एंड प्रोक्योर हाई क्वालिटी सीड्स फॉर कल्टिवेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। सो इसका जो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ पर सीड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप किया जा रहा है, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। इलेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है, द 22nd एडिशन, अभी कौन सा एडिशन है, 22nd एडिशन ऑफ सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो JNK में स्टार्ट हुआ, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अब ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, तो JNK में ये स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका आंसर होगा लेह लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख में सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट है, वन इज़ लेह एंड अदर इज़ लद्दाख। एलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इनमें से कौन से स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। JNK में अब बाई कैमरल नहीं है, यूनी कैमरलिज्म है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1, 2 एंड 4, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप याद रख सकते हो एम बुट करके, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी एंड तेलंगाना। अब JNK इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13 क्वेश्चन हमारे पास है। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है असम ऑफ रुपीज़ 1601 करोड़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव नेम्ड हिमायत प्रोग्राम। तो ये जो हिमायत प्रोग्राम है जो किससे रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने 1601 करोड़ रुपीज़ दिए हैं, ये कौन सी स्टेट में होना है? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सो द हिमायत प्रोग्राम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया है और ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपसे ऐसे भी सवाल आ सकता है किससे रिलेटेड है, क्या ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसका आंसर है स्किल डेवलपमेंट। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ जम्मू बेस्ड टाइगर डिवीजन आफ्टर सक्सेसर ऑफ मेजर जनरल राजीव नारेन। तो मेजर जनरल राजीव नारेन के बाद जो जम्मू बेस्ड टाइगर डिवीजन है इसको कौन हेड करेंगे? इनका नाम है संजीव कुमार शर्मा, संजीव कुमार शर्मा। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज सीड वैल्यूट। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। इट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। हमने बताना है करेक्ट कौन सा है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। 15th क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट आंसर्स। ये बिल्कुल सही है, ये लद्दाख में लोकेटेड है एंड ये ज्वाइंट वेंचर है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। 15th क्वेश्चन का आंसर है सी। 16th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट हिमांक। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ ब्रो, ये ब्रो का प्रोजेक्ट है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने बताना है हमने बताना है इसमें से सही कौन सा है। आई गेस हम ओके गाइस, जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो हिमायत था, हिमायत, और अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है हिमांक। सो इट इज़ अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन। कहाँ पर? लद्दाख रीजन में, जम्मू कश्मीर को हटा दीजिए यहाँ से। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। इसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हिमांक एंड प्रोजेक्ट हिमाकत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिमायत जो प्रोग्राम है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, 17th क्वेश्चन हमारे पास है, सी बकथोन ग्रोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ओनली वन, वन एंड टू, वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। द करेक्ट आंसर इज ओनली वन, जम्मू एंड कश्मीर में ही, आप देख रहे हो वैरायटी यहाँ पर, इसको बोलते हैं सी बकथोन, ये बनते हैं। 17th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 18th क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने इशू किया है एक ऑर्डर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ रशियन पॉपुलर्स। रशियन पॉपुलर्स काफ़ी न्यूज़ में थे, आपने ये देखा होगा, सुना होगा, अक्रॉस द कश्मीर वैली, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में थे। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर रिलीज़ किया था कि इसको रिमूव किया जाए। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न था इसको रिमूव करने का? द ट्री इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फरनोज एंड इज़ नॉट गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं था। द सीड्स ऑफ द ट्री कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्या इसके जो सीड्स थे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कश्मीर वैली में? ट्री हैज़ लॉन्ग ओवर हैंगिंग ब्रांचेज ओवर हाईवेज एंड रोड्स विच कॉज डेंजर टू व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रेंस। जो ट्री है ये पॉपुलर, रशियन पॉपुलर का, इसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज थी, हाईवेज तक पहुंच रही थी, रोड्स तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ रहे थे। या फिर जो ये ट्री है ये प्रोड्यूस करता है कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेंस। सो द राइट आंसर इज बी, ये जो ट्री है रशियन पॉपुलर अक्रॉस द कश्मीर वैली में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, आपने देखा होगा, इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़। तो ओके, सो द 19th क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि आईपीडी केयर इन द कंट्री,
ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी केयर इन द कंट्री। अब ये क्या है एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट या आईपीडी यूनिट है हॉस्पिटल का, हेल्थ केयर फैसिलिटी का, जहाँ पर पेशेंट्स एडमिट होते हैं फॉर मेडिकल कंडीशंस जिनको अप्रोप्रिएट केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद बेड्स वगैरह, वहाँ पे होते हैं प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं और डॉक्टर्स और नर्सेज की अवेलेबिलिटी पूरे 24 आवर्स रहती है। 20th क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अबाउट 96% ऑफ आईपीडी केयर इन रूरल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड बाई, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है ये जो आईपीडी है, विच इज़ हाईएस्ट अगेंस्ट द कंट्री एवरेज। हमारी कंट्री का पूरा एवरेज 85% है, बट जे एंड के ओनली प्रोवाइड कर रहा है 96%। तो परसेंटेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। 20th क्वेश्चन का सही आंसर है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। 21st क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन January 9, 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ न्यू डेडलाइन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज, इसका नाम क्या है जो वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज है। कश्मीर विल बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाई इंडियन रेलवेज बाई December 2021। इस रेलवे ब्रिज का नाम है चनाब ब्रिज, जो आईफिल टावर से भी बड़ा है। सो 21st क्वेश्चन का सही आंसर है और ये रियासी में लोकेटेड है चुनाब ब्रिज। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास है, द चुनाब ब्रिज विल बी 35 मीटर टॉलर देन द आईफिल टावर। जो चुनाब ब्रिज है वो आईफिल टावर से 35 मीटर हाइट पर है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक अगर आईफिल टावर है, यहाँ से 35 मीटर ऊपर ये हमारा चुनाब ब्रिज लोकेटेड है। आपको बताना है आईफिल टावर कहाँ पर लोकेटेड है। तो आईफिल टावर लोकेटेड है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। एंड आप मुझे बताइए आईफिल टावर की क्या हाइट है, ठीक है, आईफिल टावर की हाइट आपने मुझे बतानी है। 22nd क्वेश्चन का सही आंसर है पेरिस, फ्रांस। 23rd क्वेश्चन हमारे पास है, द चुनाब ब्रिज फॉर्म्स अ क्रूशियल लिंक इन द 111 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन, किस किस के बीच में, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो ये जो चुनाब ब्रिज है ये किसके बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है कटरा और बनिहाल के बीच में, कटरा और बनिहाल। 23rd क्वेश्चन का सही आंसर है कटरा एंड बनिहाल। 24th जो न्यूज़ हमारे पास है करंट अफेयर की वो है छत्रगला टनल से रिलेटेड। छत्रगला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर क्या है इसके बारे में रिपोर्ट, ये कनेक्ट करता है कठुआ को डोडा के साथ, ठीक है। छत्रगला टनल कनेक्ट करता है कठुआ को डोडा के साथ, डोडा का खिलैनी में आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है, वाया बसोली बनी, बसोली बनी से होते हुए थ्रू छत्रगला भदरवा एंड डोडा को ये टनल जो है वो टच करेगा। प्रोजेक्ट विल फैसिलिटेट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, दोनों जो रीजन्स हैं कठुआ एंड डोडा, इसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी रहने वाली है। ये रिड्यूस करेगा टाइम ट्रेवल फ्रॉम डोडा इन जम्मू एंड कश्मीर टू लखनपुर ऑन द पंजाब बॉर्डर, 4 घंटे का जो टाइम हमें एक्स्ट्रा लगता था लखनपुर तक डोडा से, उसको ये कम करने वाला है छत्रगला टनल। और ये जो छत्रगला टनल है ये 6.8 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, नाश्री टनल की लेंथ पूछ लेते हैं 9.2 किलोमीटर, वैसे ही आपको इसकी याद रखनी है 6.8 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड द फिजिबिलिटी सर्वे हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बाय द ब्रो, इसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ब्रो कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। टनल एक्सपेक्टेड है कि 4 सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये 3,000 करोड़ रुपीज़ है। अच्छा जी, 25th न्यूज़ जो आज की हमारे पास है वो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पैरो, स्पैरो की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो सिस्टम फॉर ड्रेन के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एट द राजभवन ऑन फ्राइडे। तो ये क्या है कि जे के एस ऑफिसर्स के लिए बनाई गई है स्पैरो पोर्टल। ऑन द सेम एनोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के हैज़ डिसाइडेड टू स्विच ओवर फ्रॉम मैनुअल, जो मैनुअल रजिस्टर जो
मैनुअल जनरेशन होता था उसको ऑनलाइन जनरेशन कर दिया है। जो भी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स रहेंगी वो आपको यहाँ इस पोर्टल पर मिल जाएगी, स्पैरो पोर्टल पर, जो भी जेएनके के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिगार्डिंग होगी। तो स्पैरो इज इंपॉर्टेंट गाइज, कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज गोइंग टू बेनिफिट अराउंड 1289 ऑफिसर्स को ये बेनिफिट करेगी एंड इट इज़ एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। इससे जब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है और लॉस कम होता है रिपोर्ट्स का ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स घूमने की ज़्यादा टेंशन रहती है। एंश्योरिंग बेटर मॉनिटर हो पाएंगे और टाइमली कंप्लीशन हो पाएगा परफॉर्मेंसेस का। प्रोजेक्ट जो है उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, जे एंड के ई गवर्नेंस एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्पैरो। 26th जो हमारे पास करंट अफेयर की न्यूज़ है, इट इज़ दैट जे एंड के टॉप्स द कंट्री विद 80600 टीचर्स ट्रेंड ऑन निष्ठा प्रोग्राम। जो इंडियन गवर्नमेंट का निष्ठा प्रोग्राम है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें जे एंड के ने टॉप किया है विद 80600 टीचर्स ट्रेनिंग। क्या है ये निष्ठा? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 2021। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे जी, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट इज लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है निष्ठा का, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का? मोटिवेट करना और इक्विप करना टीचर्स को, एनकरेज करना, फॉस्टर करना उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, सो दैट वो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री विल स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग टीचर्स। यू टेल मी गाइज, कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? एंड विल अनेबल टू डेवलप देयर स्किल्स। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे इस निष्ठा प्रोग्राम्स के? ओके, एक्सपेक्टेड आउटकम्स इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है दैट निष्ठा प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, ये किससे रिलेटेड है एंड जे एंड के ने इसमें टॉप किया है विद हाउ मेनी टीचर्स। तो आपको ये याद रखना है कौन से मिनिस्ट्री हैं और कौन से मिनिस्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास है कि जम्मू एंड कश्मीर मिशन यूथ के अंदर जो है तेजस्विनी स्कीम, तेजस्विनी पोर्टल को लाया गया है। ये एंड टू एंड प्रोसेस है ऑफ एप्लीकेशंस, जिसका क्या मकसद है? एम्पावर करना वुमेन सोशली और इकोनॉमिकली। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये तेजस्विनी स्कीम। को लॉन्च किया था हमारे मनोज सिन्हा जी ने और स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम है। किससे रिलेटेड है? इट इज़ अ स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम फॉर एडोलोसेंट्स, एडोलोसेंट्स की टीनेजर्स। ठीक है, एडोलोसेंट्स यानी टीनेजर्स जो 13 से 19 एज के बीच में आते हैं, एंड यंग वुमेन को भी ऑफ द यूटी टू मेक देम एम्पावर्ड एंड सेल्फ डिपेंडेंट थ्रू देयर ओन बिजनेस वेंचर्स एंड ऑफिशियल्स सेड। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 13 से 19 साल के बच्चे जो हैं वो इसमें क्या करेंगे। एडोलोसेंट लिखा है, 8th क्लास की साइंस अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये मेंशन है एडोलोसेंस की एज क्या होती है। ओके, सो तेजस्विनी स्कीम जो है ये स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम है वुमेन्स के रिलेटेड। अब आपको इसमें याद रखना है कि इसका जो एम है स्कीम का वो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना यंग वुमेन को जो 18 से 35 साल की है। यंग वुमेन की एज यहाँ पे दी हुई है फॉर सेटिंग अप गेनफुल सेल्फ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी हम बात करते हैं इसकी, सूटी टू देयर स्किल। जो भी जिसको अगर कपड़े सीने आते हैं तो वो कपड़े सीना स्टार्ट करे, पार्लर का काम आता है, वैसे वैसे जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। स्पोक्समैन सेड दैट फीमेल एंटरप्रेनर्स शैल बी फैसिलिटेटेड टू अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस। इनको मिलेगा मुद्रा स्कीम के अंदर जे एंड के बैंक से 5 लाख तक का आप ले सकते हैं 18 to 35 ईयर्स की महिलाएं। मिशन यूथ जे एंड के का प्रोवाइड कर रहा है अमाउंट 50,000 या फिर 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का एज अ सब्सिडी। तो मिशन यूथ भी आपको याद रखना है। लास्ट जो करंट अफेयर की न्यूज़ हमारे पास है वो है, वन सेकंड, लेट मी जूम इट, या ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ई संजीवनी जो पोर्टल है, नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, डॉक्टर से रिलेटेड है, संजीवनी से समझ सकते हैं आप ये, दवाइयों से रिलेटेड होगा समथिंग, मेडिकल से रिलेटेड होगा। सो इसमें क्या है,
कोविड-19 के टाइम में आप ऑनलाइन, आप व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी अवेलेबल होगा, 10 से 4 इसकी टाइमिंग होगी, मंडे टू सैटरडे। आप इस पोर्टल पे जाएंगे, आपको जो भी कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। सो एज सच इसमें कुछ क्लियर मुझे दिख नहीं रहा है, बट या ये सब यहाँ पे होगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, टोकन जनरेशन वगैरह, लॉगिन करना है, वेटिंग रूम मिलेगा आपको और कंसल्टेशन एट द एंड आपको मिल जाएगी। गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज करंट अफेयर लेक्चर्स, आई होप आपको पसंद आया होगा, और भी 2-3 सेट इसके आएंगे, आपका पूरा JNK मैं कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।